बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू रूहानी परवाज। रूहानी परवाज में एक नए वजीफे के साथ, एक नए खूबसूरत अमल के साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सामीन, आज की वीडियो में शिफाए अमराज के लिए, तमाम अमराज से शिफा के लिए एक बेहतरीन मसनून दुआ, एक बेहतरीन अमल आज की वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सामीन, ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। सामीन, अगर कोई शख्स बीमार हो और हम उसकी इयादत के लिए जाएं तो हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, और अगर मौत के आसार जाहिर ना हो मरीज़ के ऊपर तो ये दुआ जब हम पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला मरीज़ को शिफा अता फरमा देंगे, मरीज़ को सेहतमंद अल्लाह तबारक व ताला बना देंगे और मरीज़ को सेहत नसीब होगी, मरीज़ को तंदुरुस्त फरमा देंगे अल्लाह तबारक व ताला। दुआ क्या है? अस्अलुल्लाह अलअज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका। ये मरीज अगर मर्द है तो इस तरह पढ़ेंगे, और अगर औरत है मरीजा तो फिर हम पढ़ेंगे अन यशफिया के, यानी काफ के ऊपर कसरा, काफ के ऊपर, काफ के नीचे ज़ेर, काफ के नीचे कसरा, काफ के नीचे जेर। और अगर अपने लिए पढ़नी है ये दुआ, मरीज अपने लिए अगर दुआ को पढ़ना चाहे, बीमार अपने लिए अगर दुआ को पढ़ना चाहे तो फिर कैसे पढ़ेगा? अन यशफिया नी अस्अलुल्लाह अलअज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफिया नी, इस तरह पढ़ेगा अपने लिए। औरत के लिए अन यशफिया के, मर्द के लिए अन यशफिया का, तीनों हालतें बता दी हैं कि औरत के लिए किस तरह पढ़नी है, अपने लिए किस तरह पढ़नी है, मर्द के लिए किस तरह पढ़नी है। ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, और ये मसनून दुआओं में बाकायदा इस दुआ को शामिल किया गया है। ये मसनून अमल है, किसी भी मरीज़ की इयादत के लिए जाएँ, किसी भी मरीज़ की तीमारदारी के लिए जाएँ तो ये दुआ ज़रूर पढ़ें, बशर्त ये कि उस पर मौत के आसार जाहिर ना हो, अल्लाह तबारक व ताला उसे सेहतमंद फरमा देंगे, शिफा अता फरमा देंगे, वो तंदुरुस्त हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। रूहानी परवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी तमाम वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए घंटी के बटन को दबा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।